और मैंने इस वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में 19वां रैंक हासिल किया है। ये मेरा पहला प्रयास था और मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगी। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले मैं अपने बुक लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और प्रीलिम्स और मेंस की मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की है और ये बेसिक बुक सेम रही हैं। जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को रेफर किया, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को रेफर किया, एंशियंट एंड मिडिवल के लिए मैंने अपनी ओल्ड एनसीईआरटीस को रेफर किया एंड नितिन सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर की बुक को भी सेलेक्टिवली पढ़ा। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटीस रेफर की हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्रीराम आईएएस के नोट्स रेफर किए हैं। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक रेफर की है। तो मैंने अपना स्टैटिक पोर्शन इन्हीं एरिया से किया। बाकी जो करंट अफेयर्स की बात रही तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स को मैं पढ़ा करती थी और मैं कोशिश करती थी कि मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक मैंने नोट्स बनाए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन से। तो एक मैगजीन अराउंड 100 से 120 पेजों की होती है, तो मैं क्या करती थी कि मैंने एक बार वो पूरी मैगजीन पढ़ ली और दूसरी बार मैं जब उसे रिवाइज करने के लिए उठाती थी तो मैं उस सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक मेन स्पेसिफिक नहीं, मैं उस पूरी 100 से 120 पेज की मैगजीन को मैं 5 पेजों में रिड्यूस कर देती थी सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख के। तो ये चीज़ मुझे लास्ट में बहुत काम आई क्योंकि जब मैंने लास्ट में रिवाइज किया तो एक महीने के मेरे सिर्फ 5 पेजेस के नोट्स हुआ करते थे। तो ऐसे 10-12 महीने के मेरे अराउंड 50 से 60 पेज के नोट्स बन गए। तो इनको रिवाइज करना बहुत आसान था। अब चाहे इनमें से कोई क्वेश्चन आया या नहीं आया एग्जाम में, बट मेरे को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहती थी कि मेरे सीए कवर्ड है। तो मैं ये 50 से 60 पेज के नोट्स को रिवाइज मैंने काफ़ी 3-4 बार कर लिया अपने करंट अफेयर्स के लिए। तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन जरूर रहती थी कि मैंने पूरे एक साल के अपने सीए कवर कर रखे हैं। मैंने अपनी प्रीलिम्स के लिए मैंने अपनी बेसिक बुक्स तो पहले ही पढ़ ली थी, बट जो लास्ट 3 महीने थे प्रीलिम्स से पहले जो कि मार्च अप्रैल और मई के महीने थे, तो मैंने ये पूरे डेडिकेटेड दे दिए थे अपने प्रीलिम्स को सिंस ये मेरा पहला प्रयास था। और मैंने बहुत सारे टॉपर्स से सुना था कि उनके प्रीलिम्स कैसे पहले नहीं निकल पाए, तो मैं पूरा डेडिकेटेड अपने 3 महीने देना चाहती थी प्रीलिम्स को कि कहीं मैं इसी पहले राउंड में ना निकल जाऊँ बाहर। तो मैंने इन 3 महीनों में कोशिश की कि मैं जितनी भी अपनी बेसिक बुक्स करंट अफेयर्स के नोट्स हैं उन्हें कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर लूँ। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने टाइमलाइन रखी कि पहला रिवीजन मैं कर पाऊंगी अपने कुछ 50 से 60 दिनों में, फिर मैंने दूसरे रिवीजन के लिए अपनी टाइमलाइन कम कर दी जैसे 30 दिन। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने अपनी टाइमलाइन बना ली कि कैसे मैं 3 से 4 रिवीजन एटलीस्ट कर पाऊँ। और मुझे लगता है कि रिपीटेड रिवीजन ही आपको सब्जेक्ट पे कमांड दिला सकता है, आपकी मेमोराइजेशन बढ़ा सकता है और आपकी स्पीड भी इंप्रूव कर सकता है प्रीलिम्स के दिन। तो आप वही करने की ज़रूर कोशिश करें, एक रिपीटेड रिवीजन आप ज़रूर करके जाएं, कम से कम प्रीलिम्स से पहले 3 से 4 बार आप अपनी बेसिक बुक्स का रिवीजन ज़रूर कर लें। प्रीलिम्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्रीलिम्स हर साल थोड़ा अनप्रडिक्टेबल होता जा रहा है और करंट अफेयर्स के काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, बट इसमें घबराने की जगह आपको फोकस करना चाहिए कि आप अपना स्टैटिक पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें। और स्टैटिक पार्ट में भी कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इवन हिस्ट्री ज्योग्राफी, अगर आप ये स्ट्रॉन्ग कर सकें तो आपके कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे। और मेरी एडवाइस है कि आप स्टैटिक की कॉस्ट पर कभी करंट को ना करें क्योंकि स्टैटिक आपको ज़्यादा रिटर्न देगा अगर आप उसमें एफर्ट्स करेंगे। हो सकता है करंट उतना रिटर्न ना दे, तो आपको करंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए कंप्लीटली, बट स्टैटिक पे आपको ज़रूर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अपने लास्ट 3 महीने प्रीलिम्स के लिए मैंने एक जो बहुत अच्छी चीज़ की थी शुरुआत से ही, जैसे ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं क्या करती थी, मैं अपने जब मेरा डेली का शेड्यूल खत्म होने लगता था रात में 9-10 बजे, तो मैं तब प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे जैसे इनसाइट्स आईएएस और फॉरम आईएएस, तो ये डेली क्विजेस निकालते हैं करंट ओरिएंटेड भी और स्टैटिक ओरिएंटेड भी, तो 5 से 10 क्वेश्चन ही होते हैं क्विजेस में। तो मैंने ये शुरुआत से ही बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, तो मैं ये 5 से 10 क्वेश्चन डेली करा करती थी रात में। तो ये आपका बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेते और आप एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना सीख जाते हैं अगर आप रिपीटेड डेली 5 से 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने शुरुआत से ही करी और मुझे लगता है सबकॉन्शियसली इससे मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि मैं सबकॉन्शियसली आंसर सेलेक्ट करना सीख गई थी। करंट अफेयर्स की चीज़ें भी जो न्यूज़ में रहती थी, तो पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती थी उसी चीज़ को, फिर मंथली मैगजीन में पढ़ती थी और फिर मेरे को वो क्वेश्चंस के रूप में भी इन प्लेटफॉर्म्स पे दिख जाते थे, तो मेमोराइजेशन भी बढ़ती गई इन ऐसे क्विजेस सॉल्व करने की वजह से। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप भी रोज़ 15 से 20 मिनट अगर इन टाइप के क्विजेस को दे पाएँ तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा हो सकता है। बाकी मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व करे थे, अराउंड 45 मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व करे थे और ये मैंने लास्ट के कुछ पहले भी कर लिए थे 3 महीने से पहले, बट लास्ट के 3 महीने में ही मेजर सॉल्व किए थे। उनमें से कुछ सब्जेक्ट वाइज थे एंड कुछ फुल टेस्ट थे। मॉक सॉल्व करते वक्त मैंने कोशिश की थी कि मैं अपना पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाऊँ, तो मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती थी, तो लास्ट में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ तो मेरी मैक्सिमम मार्क्स जनरली आते हैं जितना मैं ला सकती हूँ। तो मैंने अपने असली प्रीलिम्स में भी 87 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो आप भी अपना एक बार सेफ बार अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको सबसे ज़्यादा सूट करे उसे ही आप रेप्लिकेट करें अपने असली एग्जाम में। मॉक टेस्ट के लिए मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि आप नंबर्स के पीछे नहीं भागें कि आप कितने मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, एंड हाँ आप एक बार को मॉक टेस्ट फिर भी कम सॉल्व कर लें, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर सॉल्व करें और बहुत ध्यान से सॉल्व करें। इससे आपको एक पैटर्न पता चलता है, इससे आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। कई बार कुछ पुराने क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, एंड आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर सॉल्व करें प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, एंड कुछ मॉक टेस्ट भी जरूर दें, एंड हो सके तो चाहे थोड़े बहुत मॉक टेस्ट कम दे दें बट हर मॉक टेस्ट को एनालाइज करें। आपको 2 घंटे मॉक टेस्ट देने में लगते हैं, उसके बाद आप कम से कम बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि आप 3 से 4 घंटे फिर मॉक टेस्ट एनालाइज ही कर रहे हैं क्योंकि आपके दिन में इतना तो टाइम होता ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट 1 से 2 घंटे आप फिर उसके बाद मॉक टेस्ट एनालाइज करने में दें। सिर्फ गलत क्वेश्चंस को ना देखें, सही क्वेश्चंस को भी देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें 100% नहीं पता होता कि इसका सही आंसर क्या है, फिर भी हम उसको टिक कर देते हैं अपने खुद के इंटेलिजेंट गैसेज और एलिमिनेशन से।
से, तो आप सही क्वेश्चंस भी देखें एंड बाई चांस आपका वो क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप उसे भी देखें कि अरे ये इसका आंसर सही था तो कैसे था। एंड तो मैं ये चीज़ें देखती थी। एंड एक चीज़ है कि कई बार मॉक टेस्ट में क्या होता है कि सवाल कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट आते हैं, एंड सवाल डिफिकल्ट आते हैं कुछ ज़्यादा ही, और कई बार थोड़े ऐसा भी लगता है कि थोड़े अनरिलेटेड हैं कि इतना तो नहीं आएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट के स्कोर से अगर थोड़े कम भी आ रहे हैं तो ज़्यादा प्रभावित ना हो, एंड सिर्फ उन क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं और इन क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट जब भी सॉल्व करती थी तो मैंने एक अलग फोल्डर बना लिया था एंड उसमें मैं अपनी गलतियाँ नोट डाउन करती चलती थी कि मैंने कहाँ क्या गलती करी है, और मैंने लास्ट में उन गलतियों के फोल्डर को भी दोबारा रिवाइज़ किया। एंड उससे मेरे को एक तो फ़ायदा हुआ कि मेरा कुछ टॉपिक जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए मैंने कोई नोट्स रेफर नहीं किए थे, तो मैंने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ी थी। तो सब्जेक्ट वाइज एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दो पेपर सॉल्व कर लिए थे मॉक टेस्ट से, तो उससे काफ़ी अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो गए थे, तो उन्हें ही रिवाइज़ किया था और लास्ट में उसी से अपना ये सब चीज़ की थी। तो आप मॉक टेस्ट से सीखें और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। एक चीज़ ध्यान रखें कि गलतियाँ बहुत तरह की हो सकती हैं। कुछ गलतियाँ होती हैं कि आपका लैक ऑफ रिवीजन है तो इसकी वजह से आपके उस क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं कि आपने गलत क्वेश्चन को मार्क कर दिया है, कुछ गलतियाँ होती हैं कि आपको पता ही नहीं है क्या आंसर होना चाहिए। तो आप देखें कि आप कैसी गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, फिर उसी डायरेक्शन में वर्क करें। मैं आपको अपना प्रीलिम्स सॉल्व करने का एक बार तरीका बताना चाहूँगी। मैं अपने प्रीलिम्स का पेपर जनरली तीन राउंड में सॉल्व करती थी। पहले राउंड में मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करती थी जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि ये आंसर होना चाहिए। तो इस राउंड में मैं जनरली अपने 100 में से 30 से 40 क्वेश्चन कर लेती थी, कभी कभी 30 से कम भी हो जाते थे अगर कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आ जाता था। बट मैं कोशिश करती थी जहाँ तक हो सके 100% एक्यूरेसी से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ, दो मेरे से 2 से 3 क्वेश्चन इनमें भी गलत हो जाते थे। दूसरे राउंड में मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी जिनमें मेरे को लगता था कि मैं कुछ 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाई हूँ या फिर कुछ इंटेलिजेंट मैं गेस कर सकती हूँ, तो दूसरे राउंड में मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी। अराउंड 30 क्वेश्चन मैं इनसे भी इस तरीके से भी सॉल्व, 30 से 40 क्वेश्चन मैं इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करती थी। इसमें थोड़ी एक्यूरेसी पहले राउंड से कम हो जाती थी, बट स्टिल क्योंकि मुझे 85 से 90 के बीच में अटैम्प्ट करने होते थे तो मैं दूसरे राउंड में ऐसे करती थी। एंड तीसरे राउंड में मैं कुछ 5 से 10 क्वेश्चन करती थी, वो मेरे बेस्ड ऑन हंच और मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि मेरा नेट रिजल्ट इन 5 से 10 क्वेश्चन में पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो मैं बेस्ड ऑन हंच और थोड़ी मेमोरी के अकॉर्डिंग कोशिश करती थी कि ये तीसरे राउंड में ऐसे सॉल्व करूँ, और लास्ट में ऐसे मैं अपना पूरे 3 राउंड में पेपर करती थी। लास्ट में मैं आप सभी को एक एडवाइस बताना चाहूँगी कि क्या मिस्टेक है जो मैंने एक करी थी और मैं आप सभी को एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अवॉइड कर सकते हैं। प्रीलिम्स के दिन, प्रीलिम्स का जो एक्चुअल दिन था 5 जून, क्योंकि ये मेरा पहला एग्जाम था प्रीलिम्स का और मैं पहली बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जा रही थी, तो थोड़ी मेरे को प्रीलिम्स के दिन सिचुएशन पैनिकी हो गई थी। एंड क्योंकि मेरा सेंटर भी मेरे घर से 2-3 घंटे दूर था तो जल्दी उठना पड़ा और मैं अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रही थी, तो उससे मैं थोड़े एग्ज़ाम हॉल में भी थोड़ा पैनिक की सिचुएशन आ गई थी और फिर सी सेट में भी मुझे थोड़ा लगा कि पैनिक की सिचुएशन आ गई थी। तो मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगी कि आपका जैसे अगर प्रीलिम्स है तो आप हो सके तो 10 से 15 दिन पहले से ही उस रूटीन में आना शुरू कर दें कि अगर आपको 5 से 5-6 बजे उठना है प्रीलिम्स वाले दिन, तो आप 10 से 15 दिन पहले से ही आप उस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दें जिससे प्रीलिम्स वाले दिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर मैंने इस गलती से सीख लेते हुए अपने मेंस के एग्जाम में ये चीज़ फॉलो करी कि मैं उसी रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दूँगी एटलीस्ट 10 से 15 दिन जिससे आप थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल रहें एग्जाम वाले दिन में। और सी सेट की बात रही क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है प्रीलिम्स का, तो मैं अपना पर्सनल बता सकती हूँ, ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था और मेरी मैथ्स हमेशा से अच्छी रही है, तो मैंने क्या किया था, मैंने सी सेट के प्रीवियस ईयर के 2 पेपर सॉल्व किए थे 2021 का और 2020 का, और मैंने इसमें अपना स्कोर देखा था तो मेरे दोनों में स्कोर काफ़ी अच्छे आ गए थे, 110 से ऊपर ही थे दोनों में स्कोर। एंड क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है सी सेट, 66 से ऊपर चाहिए होते हैं, तो मैं ऑलरेडी सी सेट में अच्छा कर रही थी तो मैंने इसके लिए कुछ अलग से नहीं किया, और मैंने 1-2 मॉक टेस्ट और दिए थे सी साइड के, तो मेरी सी साइड की प्रिपरेशन मैंने अलग से नहीं की। मगर अगर किसी को लगता है कि उन्हें सी साइड पे ध्यान देना चाहिए तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि सी साइड में अगर आपके 66 से ज़्यादा नहीं आए तो ये आपका एक अटैम्प्ट कॉस्ट कर सकता है, तो बहुत अच्छी आपको अवश्य मिल जाएंगी वीडियोज़ यूट्यूब पे, तो आप अपना सी साइड इधर से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को होप करती हूँ कि ये वीडियो आपकी प्रीलिम्स के लिए काम आएगी, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू द डीकेटी टीम।